गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड आदाब। ये पहली बार है दैट आई एम एड्रेसिंग माय मुस्लिम सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी दैट जमाते इस्माइल हैज गिवन मी, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम। और इट्स ओके इफ आई स्पीक हिंदी इंग्लिश मिक्स? या या ओके, थैंक यू सो मच। So I'm a trainer and a coach, and I have seen overall log yahi pasand karte hain ki hindi english mix karke baat kare to aasani se samajh aati hai, so I would stick to that only. So aaj jaise abhi mujhse pehle jinhone bhi bola bahut acha bola, and main unse bilkul agree karti hu that women are empowered. Unko empower karne ki zarurat nahi hai, wo to paida hi empowered hui hai. ये तो यू नो शोशागिरी के लिए एंड पॉलिटिकल चीज़ों के लिए और लोग अपना अपना फ़ायदा करने के लिए एम्पावरमेंट की बात करते रहते हैं। हम तो एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी। अभी जैसे सलमा ने बोला कि जिस घर में औरत है, जिस घर को औरत चलाती है, वही घर घर है। घर बनता ही औरत से है, तो एम्पावर्ड ऑलरेडी है। चाहे वो माँ है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो एम्प्लॉई है या किसी के साथ काम कर रही है, चाहे वो अपना काम कर रही है, तो एम्पावर्ड है ही है। और घर का काम कर रही है तो सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है, बिकॉज पूरे घर को संभालना एक औरत का ही काम है। आपके आसपास में या आपके यू नो जान पहचान में अगर आपने किसी को देखा हो जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो, तो वो इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है घर संभालना, बच्चे संभालना। बट एक औरत उसके बावजूद अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर लेती है, दैट इज एम्पावरमेंट, राइट? सो आज का जो टॉपिक है अबाउट फास्टिंग, फास्टिंग क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं व्रत। व्रत का क्या मतलब होता है? इट्स लाइक एक शपथ लेना, एक यू नो एक इंटेंशन सेट करना। हम जब भी कोई फास्ट करते हैं तो उसका कोई इंटेंशन होता है, उसके पीछे कोई एक वजह होती है हम क्यों कर रहे हैं। अगर आप रमजान भी करते हैं तो उसके पीछे एक वजह होती है ना कि हम क्यों व्रत रख रहे हैं, क्यों हम अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं, हम उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या किसी को अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो तो वो उसके लिए व्रत रखते हैं, है ना। कोई 16 सोमवार रखता है, कोई फ्राइडेज के व्रत रखता है, उसके पीछे एक इंटेंशन होती है। ये इंटेंशन कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फास्ट को कितनी शिद्दत से कंप्लीट करते हैं, कितनी कमिटमेंट से करते हैं, कितने डिसिप्लिन से करते हैं, है ना। तो हमारे सिख, आई बिलोंग टू सिखिज्म, तो हमारे ग्रंथ में जो लिखा है उसमें क्या लिखा है कि फास्ट करना है तो किस चीज का फास्ट करना है। हम सब लोग सारे आजकल सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम लोग आंखों से क्या देखते हैं? हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यू नो, एंड हम हर तरह की चीजें देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है आंखों से। फिर हम कानों से क्या सुनते हैं? कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हम वो सुनना चाहते हैं, बड़ा अच्छा, बहुत मजा आता है किसी के बारे में कुछ बुरा सुनने में। और हम बातें क्या करते हैं? या तो किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, या कंप्लेन करते हैं, या किसी चीज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर आप सुबह से शाम तक अपने आप को अगर आप ऑडिट करोगे ना, अपने विचारों को ऑडिट करोगे, अपने ख्यालों को ऑडिट करोगे, अपनी जुबान से आप पूरे दिन में क्या बोलते हो उसको ऑडिट करोगे, तो यू विल रियलाइज 80% ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग एंड थिंकिंग नेगेटिव। तो अगर व्रत करना है तो अपने विचारों का व्रत करें। टेक वन डे, अगर आपका 40 डेज का रमजान है, स्टार्ट फ्रॉम वन डे। एक दिन ये मान के चलो कि आज मैं पूरा दिन अपने थॉट्स पे, बिकॉज हर चीज शुरुआत तो थॉट से ही होती है, एक विचार से शुरुआत होती है, कि मैं आज अपने विचारों के ऊपर पहरा दूंगा या दूंगी। मैं कुछ ऐसा नहीं सोचूं जो मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं, बुरा बोलूं या बुरा करूं। वो है व्रत, दैट इज फास्ट।
और बहुत मुश्किल है। भूखा रहना फिर आसान है, पर ये करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको व्रत करना है तो हमारे सिखिज्म में लिखा है, तू व्रत करना है तो अपनी इंद्रियों पे काबू रखो, अच्छा देखो। उस दिन जिस दिन आप व्रत करना चाहते हो उस दिन सिर्फ अच्छा सुनो, जैसे कहते हैं ना इबादत करो जब रमजान होता है या कोई और व्रत होता है, जैसे भी शिवरात्रि का व्रत आ रहा है तो उस दिन लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, अर्चना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। उस दिन ही क्यों करना है, हम तो फास्ट रोज कर सकते हैं। अपने विचारों के ऊपर अगर हम पहरा दें कि हम क्या सोच रहे हैं उसको, और आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक चलता है। जाने अनजाने में हम कुछ बुरा सोच जाते हैं, बुरा बोल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कोई किसी की बुराई कर रहा हो, तो हम सुनते रहते हैं, उसको रोकते भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ, क्योंकि हमारी जो यू नो प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है। तो अगर व्रत करना है तो व्रत करो कि मैं आज अच्छा सोचूंगा या अच्छा सोचूंगी। जितनी बार मैं अपने आप को पकड़ूंगा या पकड़ूंगी कि मैं कुछ बोलने वाला हूं या कहने वाला हूं या सोचने वाला हूं, मैं वहीं पे अपने आप को रोक के कुछ अच्छा सोचूंगा। जैसे इन्होंने बोला कि सबका अच्छा हो, सबका हर जगह पीस हो, या हमारे में भी कहते हैं सरबत का भला। एंड आपने देखा भी होगा जहां पर भी कुछ क्लैमिटी आती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमारे सिख भाई वहां जाकर सेवा करना शुरू हो जाते हैं, जगह जगह लंगर लगाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिटन देयर। और वो हर धर्म ग्रंथ में लिखा है, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा है, वो कुरान में भी लिखा है। अभी इन्होंने बोला ना कि सबकी मदद करना लिखा है, तो कंपैशनेट हार्ट तब होता है जब हम बात करते हैं ना कि अगर आप अपने विचारों पे, अपनी इंद्रियों के ऊपर आप धीरे धीरे जब ये कंट्रोल करना शुरू करते हैं, इसका फास्ट रखना शुरू करते हैं, तो आप कंपैशनेट हो जाते हैं, आपको हर एक के ऊपर तरस आता है, हर एक से आपको प्यार होता है, आपको पेड़ पौधों से भी प्यार हो जाता है, क्योंकि वो तो जर्रे जर्रे में है ना, वो तो सिर्फ आप में और मुझ में नहीं है, सब में है, तो आपको वो कंपैशन आना शुरू हो जाता है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू एवरीबॉडी, व्हेन यू आर कंपैशनेट, व्हेन यू हैव एम्पैथी फॉर पीपल, या एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ अ फास्ट, इट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट यू विल फील कनेक्टेड टू एवरीबॉडी। एंड जितना फोकस के साथ आप कनेक्शन बनाओगे उतनी जल्दी आपके कनेक्शंस बनेंगे। आप मेडिटेशन पे बैठोगे आपको फटाफट कनेक्शंस बनेंगे आपके, आप किसी काम को करने बैठेंगे आपका फोकस रहेगा माइंड, आप फोकस से काम कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो एम्पावरमेंट। सो आई वुड ओनली लाइक टू से हियर इज कि अगर व्रत रखना है तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम अपने विचारों के ऊपर व्रत रखना शुरू करें, इस इंटेंशन के साथ कि हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे। आसान नहीं है मैं कह रही हूँ बार बार, पर कहीं से शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 धीरे, अगर आप 40 दिन रमजान के व्रत रख सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एम्पावर्ड ऑलरेडी हैं। एक दिन में एक, अगर आपने एक बार अपने आप को पकड़ा, अगले दिन आप 2-3 बार अपने विचारों को पकड़ पाएंगे, तो धीरे धीरे सोचिए ना 40 दिन में आप, वो आपका व्रत कितना सक्सेसफुल होगा, कि आप 40 दिन में इतने कनेक्टेड हो जाएंगे अल्लाह ताला के साथ कि आप बैठेंगे और आपका कनेक्शन बनेगा। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, सो वी ऑल आर एम्पावर्ड एंड लेट्स ऑल स्टैंड अप टुगेदर। हर एक इंसान बस दूसरे का भला करना चाहे तो सबका भला हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर उसके बच्चे हैं, हम सब है ना, हम सब उसके बच्चे और बच्चियां हैं। तो हर एक में अगर हम उसको देखना शुरू कर देंगे और अपने विचारों पे, अपने शब्दों पे, अपने एक्शंस पे अगर हम व्रत रखना शुरू करेंगे, देन दिस प्लेस विल बी अ वंडरफुल प्लेस एंड दिस वर्ल्ड बी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।